नमस्कार दोस्तों, इस समय की बेहद ही बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, वोटों की गिनती लगातार जारी है और 543 सीटों पर रुझान भी सामने निकल के आ चुके हैं और आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, नरेंद्र मोदी की सरकार की विदाई, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। आप लोगों को बताते चले, एनडीए मात्र यहाँ पर 259 सीटों पर ही आगे है 543 सीटों में से, जबकि यहां पर इंडिया गठबंधन 261 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य के खाते में 23 सीटें। और वहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, रुझानों में इंडिया गठबंधन एनडीए से आगे हो गया है। इतना ही नहीं, सबसे बड़ा झटका कौन सा राज्य यहां पर बीजेपी के गठबंधन को दे रहा है बताते चले, उत्तर प्रदेश यहां पर बीजेपी को तगड़ा झटका दे रहा है। इंडिया गठबंधन 80 में से 44 सीटों पर आगे है, जबकि एनडीए काफी पीछे है, 35 सीटों पर ही आगे नजर आ रहा है। यूपी में बिहार की 40 सीटों में से एनडीए 32, इंडिया 8 और अन्य के खाते में 0। पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से बीजेपी 20 पर आगे है, कांग्रेस 3, टीएमसी 19 सीटें, अन्य के खाते में 0। झारखंड में यहां पर बताते चले, एनडीए 12, इंडिया 2 सीटों पर आगे है। उड़ीसा में बीजेपी 17, इंडिया 2, बीजेडी 2 और अन्य के खाते में 2। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि जो अभी तक की काउंटिंग हुई है उसके अनुसार यहां पर इंडिया गठबंधन आगे नजर आ रहा है और लगातार कड़ी टक्कर दे रहा है। आंकड़े पल पल में पलट रहे हैं, कभी इंडिया गठबंधन आगे तो कभी एनडीए आगे, लेकिन नतीजे 2014 और 2019 के जैसे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। जनता ने इस बार खटाखट कर दिया है पूरी तरह से और भाजपा का सफा चट कर दिया है लग रहा है। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज पीछे चल रही है, उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के कन्हैया कुमार आगे नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पर सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो वाराणसी से सामने निकल के आ रहा है। यूपी के रुझानों में भाजपा को सबसे बड़ा नुकसान, वाराणसी में पीएम मोदी यहां पर 6000 से भी ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं और ये आंकड़ा पल पल में लगातार बदल रहा है। कभी यहां पर अजय राय आगे तो कभी पीएम मोदी, यानी कि मुकाबला एक तरफा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है कहीं पर भी। इसके साथ ही दोस्तों, आप लोगों को चुनाव आयोग के अनुसार यहां पर रायबरेली सीट का हाल भी बताते चले, राहुल गांधी मैदान में है और जबरदस्त वोटों से राहुल गांधी लीड कर रहे हैं। 16000 से भी ज्यादा वोटों से राहुल गांधी दिनेश प्रताप सिंह से आगे चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी को अब तक यहाँ पर 35000 के करीब वोट मिल चुके हैं, वोटों की गिनती जारी है, जबकि बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को मात्र यहाँ पर 18000 के करीब वोट ही मिले हैं। और वहीं बताते चले, बीएसपी के उम्मीदवार को मात्र यहां पर 975 वोट ही मिलते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि रायबरेली की सीट राहुल गांधी जीत रहे हैं बड़े वोटों के अंतर से। इसके साथ ही दोस्तों, अब यहां पर आप लोगों को अमेठी का हाल भी बताते चले। जी हां दोस्तों, किशोरी लाल इंडिया नेशनल कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, यानी कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, वो यहां पर 10000 के करीब वोटों से आगे चल रहे हैं। स्मृति ईरानी हारती हुई नजर आ रही हैं, किशोरी लाल को 31000 से भी ज्यादा अब तक वोट मिल चुके हैं, जबकि स्मृति ईरानी को 22000 के करीब वोट मिले हैं। यहां पर बताते चले, लगभग 10000 वोटों से स्मृति ईरानी पीछे चल रही हैं। ये यहां पर दोस्तों अमेठी लोकसभा सीट का हाल हमने आप लोगों को बताया है। दोस्तों अब आप लोगों को यहां पर आंकड़े उत्तर प्रदेश के बताते चले, 80 लोकसभा सीटें हैं, कौन सी पार्टी कितनी सीटों पर आगे है ये आप लोगों के लिए जानना बेहद ही जरूरी है। और ये आंकड़े हम आप लोगों को चुनाव आयोग के अनुसार बता रहे हैं, बीजेपी 39 सीटों पर आगे है, जबकि आप लोगों को यहां पर बताते चले, समाजवादी पार्टी अकेले 29 सीटों पर आगे चल रही है। और इतना ही नहीं दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भी जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है, 7 सीटों पर आगे है और आरएलडी यहां पर 2 सीटों पर आगे नजर आ रही है, जबकि चंद्रशेखर आजाद भी आगे नजर आ रहे हैं, ऐसी भी यहां पर खबर सामने निकल के आ रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार ये यूपी के अंदर बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। इसके साथ ही आप लोगों को हॉट सीट का हाल भी बताते चले, कन्नौज से अखिलेश यादव ने जबरदस्त लीड बना ली है, 52000 से भी
ज्यादा वोट यहां पर अब तक अखिलेश यादव को मिल चुके हैं और 20,000 के करीब वोटों से आगे चल रहे हैं सपा के मुखिया अखिलेश यादव कन्नौज से, जबकि सुब्रत पाठक की स्थिति खराब हो चुकी है, 22,000 वोटों से पीछे चल रहे हैं सुब्रत पाठक, यानी कि सुब्रत पाठक लोकसभा का चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं और यूपी के अंदर लग रहा है कि इस बार पीडीए काम कर चुका है पूरी तरह से और जमीनी स्तर पर खटाखट वोट पड़ा है और बीजेपी का सफा चट होता हुआ नजर आ रहा है अब तक के जो रुझान आए हैं उसके अनुसार। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर हरियाणा के आंकड़े भी बताते चले, 10 सीटें हैं हरियाणा के अंदर और जो अभी तक के रुझान आ रहे हैं उसमें चुनाव आयोग के अनुसार कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर आगे है, बीजेपी 4 सीटों पर आगे है और वहीं यहां पर आम आदमी पार्टी कुल मिलाकर के 1 सीट पर आगे चल रही है रुझानों के अनुसार, ये यहां पर दोस्तों पता चला है, यानी कि बीजेपी को हरियाणा के अंदर भी तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है लोकसभा के चुनाव में। दोस्तों अब आप लोगों को यहां पर राजस्थान के आंकड़े भी बताते चले, 25 लोकसभा की सीटें हैं, बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार और वही बताते चले कांग्रेस पार्टी 9 सीटों पर आगे चल रही है, सीपीआईएम 1 सीट पर आगे चल रही है, आरएलटीपी 1 सीट पर आगे चल रही है, ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब तक के आंकड़े चुनाव आयोग के अनुसार सामने निकल के आए हैं, जहां पर राजस्थान के अंदर भी बीजेपी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है शुरुआती रुझानों के अनुसार। दोस्तों अब आप लोगों को यहां पर 543 सीटों का हाल भी बताते चलें कि कौन सी पार्टी अकेले कितनी सीटों पर आगे है, बीजेपी यहां पर 217 सीटों पर आगे चल रही है जबकि कांग्रेस पार्टी अकेले 81 सीटों पर आगे चल रही है चुनाव आयोग के अनुसार, समाजवादी पार्टी 28 सीटों पर और यहां पर तृणमूल कांग्रेस 18 सीटों पर आगे है, टीडीपी 15 सीटों पर आगे चल रही है, डीएमके 14 सीटों पर, जेडीयू 10 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे की पार्टी 9 सीटों पर, सिंधे गुट की पार्टी 7 सीटों पर और इसके साथ ही नेशनल कांग्रेस नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यहां पर चल रही है 7 सीटों पर आगे और वहीं बताते चले YSRCP यहां पर 5 सीटों पर आगे है, रामविलास पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी वो यहां पर 5 सीटों पर आगे है, राष्ट्रीय जनता दल 4 सीटों पर आगे है, आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे बताई जा रही है, CPIM 4 सीटों पर, JDS 3 सीटों पर आगे है। इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को बताते चले इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यहां पर 3 सीटों पर आगे है, जनसेना 2 सीटों पर, BJD मात्र 2 सीटों पर, शिरोमणि अकाली दल भी 2 सीटों पर आगे बताई जा रही है, ये यहां पर देख सकते हैं कि VCK भी 2 सीटों पर आगे बताई जा रही है, RLD 2 सीटों पर आगे चल रही है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर आगे है, ये यहां पर दोस्तों हमने आपको एक एक करके पार्टी भी बताई है चुनाव आयोग के अनुसार, ताजा आंकड़े हमने आप तक पहुंचाए हैं, आंकड़े पल पल में बदल रहे हैं, आगे की जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।